prove that work prove that gravitational force is conservative, कि ग्रेविटी की जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, प्रूव कर दो, ये टिक मार्क करो, ये आपके स्कूल में आएगा, प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फोर्सेस कंजर्वेटिव, यहां से मतलब एक्चुअल चीजें आएंगी, तो एक तो ये मार्क करो, ठीक, लिख लेना फॉर एनसीईआरटी। वैसे मैं लिस्ट भी दूंगा आपको एक और फाइनल सितंबर से पहले भी दे दूंगा, इस हफ्ते आपको पूरे टॉपिक्स बना के दूंगा ताकि कुछ छूटना चाहिए आपसे, एक पहले भी दी थी, एक एडवांस और दे दूंगा और टॉपिक्स ऐड करके जो मेरे दिमाग में आएंगे, ठीक। मैं भी नेक्स्ट टाइम ही कोशिश करता हूँ ताकि टेस्ट के लिए भी आपको हेल्प, संडे का जो टेस्ट है उसमें हेल्प हो जाएगा ना, वो टॉपिक सारे करके आना, ठीक। प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फोर्सेज कंजर्वेटिव में ये देखो, सपोज ये हमने एग्जाम्पल किया हुआ है, मैं क्या करूँगा, ग्रेविटी की फोर्स कंजर्वेटिव है ना, मैं इसमें एक ब्लॉक को उठाऊंगा, यहां से यहां रख दूंगा, मैं वर्क डन करूंगा, कोई बात नहीं, मैं करूंगा तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि कंजर्वेटिव डेफिनेशन ये बोलती है कि अगर आपने भी अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स काम कर लिया तो भी आपका भी जो वर्क डन होगा वो इनिशियल और फाइनल पे ही डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, राइट। तो ग्रेविटी की फोर्स हमेशा नीचे है, मैंने इस बॉक्स को उठाने के लिए फोर्स कहां लगाई, ऊपर, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी कहां है, ऊपर, ठीक, ये मैंने वर्क डन करना है, तो ऊपर उठाने में अब मेरा वर्क डन पॉजिटिव आएगा, प्लीज ग्रेविटी का वर्क डन नहीं कैलकुलेट हो रहे, किसका कर रहे हैं, मेरा कर रहे हैं। तो मैंने इस बक्से को उठाया और फोर्स कहां लगी, सीधा लेके गए, जब डायरेक्टली ए से बी लेके जा रहे हैं तो फोर्स ऊपर लगी, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, एंगल जीरो, फोर्स कितनी लगाई मैंने, कम से कम mg, तो आंसर क्या आ गया, mg, ठीक है, तक mgh। अब एक काम करते हैं, मैं ए से लेके सी से लेके डी से लेके ई से लेके बी तक बॉक्स को लेके गया, तो मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना है तो ग्रेविटी की फोर्स कहां है, नीचे, और अगर मैं किसी भी सामान को उठा के ऊपर लेके जा रहा हूं और मूव हॉरिजॉन्टल कर रहा हूं तो फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या होगा, 90, तो वर्क डन क्या काउंट होगा, जीरो। इसीलिए हॉरिजॉन्टल सीडी का वर्क डन और बीई का वर्क डन क्या आएगा, जीरो, ये तो जीरो ही आएगा, ठीक। लेकिन एसी का तो आएगा, एसी का क्या आएगा, फोर्स इंटू एसी इंटू कॉस जीरो, फोर्स की जगह एमजी, और डीई का क्या आएगा, फोर्स इंटू डीई इंटू कॉस जीरो, यानी कि एमजी इंटू डीई, ठीक। तो आपने इसका वर्क डन निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया और इसका निकाल लिया, सारे वर्क डन को ऐड करें, सारे वर्क डन को ऐड किया तो दो वर्क डन तो जीरो ही आ गए जो हॉरिजॉन्टल थे, और वर्टिकल वालों को जब ऐड किया, mg कॉमन, ac और de का सम वापस से h आ गया, तो आंसर mgh आएगा, जैसे हमने क्लास में लास्ट टाइम किया था, सेम है। तो यानी कि चाहे मैंने काम किया a से लेके b तक बॉक्स को उठाने में अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, तो भी मेरा वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। दूसरा केस हो गया, तीसरा केस, तीसरे केस में इंक्लाइन प्लेन से लेके जाएंगे, हमने किया था ये भी डिस्कस, इंक्लाइन प्लेन से अगर बॉक्स को ऊपर लेके जा रहे हैं, मैं लेके जा रहा हूं तो फोर्स कहां लगा रहा हूं, यहां पे, डिस्प्लेसमेंट भी कहां पर है, यहीं पर। तो एक काम करते हैं, फोर्स कहां पर है, एफ ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एस ऊपर, एफ और एस में एंगल क्या है, जीरो, और मैं कम से कम फोर्स क्या लगाऊंगा, एम जी साइन थीटा, साइन थीटा इसमें किसके इक्वल है, एच डिवाइडेड बाय एस, एस से एस कैंसिल, आंसर फिर से एम जी एच। तो अगर स्कूल में आएगा प्रूव करो इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, तो आप ये तीन केस लिख सकते हो, काफी स्कूल में तीन केस ही करवाते हैं, चौथा लिख दोगे तो और भी अच्छा है। केस नंबर चार ये बोलता है, आपने एक बॉल को ऊपर फेंका, बॉल ऊपर जाके नीचे आ गई, तो ऊपर का वर्क डन माइनस एम जी एच, नीचे का प्लस एम जी एच, तो क्लोज्ड पाथ में आंसर क्या आया, जीरो। तो यही बता रहा है, सपोज अ बॉडी इज थ्रोन अप, व्हेन इट मूव्स अप, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नेगेटिव वर्क डन एंड डिक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी, और जब बॉल नीचे आएगी ग्रेविटेशनल जो फोर्स है पॉजिटिव वर्क डन करेगा और वेलोसिटी को, एनर्जी को बढ़ाएगा, तो उस केस में आपकी जो जो वैल्यू है किसकी, टोटल जो वर्क डन आएगा वो इन द एंड क्या आएगा, जीरो, जीरो। तो जब क्लोज्ड पाथ में, किसी भी क्लोज्ड पाथ में वर्क डन नेट जीरो आता है, तो गारंटेड फोर्स क्या होती है,
कंजर्वेटिव, यही एग्जाम्पल अकेला बहुत है बताने के लिए कि फोर्स कंजर्वेटिव है। पर चलो तीन नंबर भी लेने हैं तो दो केस, तीन केस पहले भी करना, तो चार केस ये कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। ऐसा टेस्ट पूल का पेपर ऐसे कॉम्पिटिशन में पूछ लेते हैं, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में बताऊंगा भी कैसा आएगा, ठीक। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ऑब्जेक्टिव्स करने भी इजी हो जाएंगे कुछ दिनों में, नेक्स्ट टाइम न्यूमेरिकल पोर्शन ही चलेगा सारा। नहीं, अगेंस्ट कंजर्वेटिव कर रहे हैं, अगेंस्ट कंजर्वेटिव हम वर्क डन निकाल रहे हैं अगेंस्ट कंजर्वेटिव। हाँ, तो जो भी मैंने फोर्स लगाई वो अगेंस्ट कंजर्वेटिव बोल रहा हूँ। अच्छा, आप ऐसा कर लो, आपको नहीं तसल्ली होती है काम कर लो, आप हर जगह माइनस लगा लेना, क्या करें, ग्रेविटी लेनी है ना, तो हर जगह माइनस एम जी एच, माइनस एम जी एच करते जाना ना, जहां मैंने फोर्स एम जी पुट की वहां माइनस एम जी पुट कर दो, ठीक है। ग्रेविटी का वर्क डन निकाल दिया आपने, एक ही बात हो गई, मेरे से ऑपोजिट आएगा, ठीक। पर वैसे अगर मैं भी वर्क डन करता हूँ ना एक पोजिशन से दूसरे पोजिशन इन कंजर्वेटिव, क्योंकि मैं अगेंस्ट कंजर्वेटिव, समझते हो, कंजर्वेटिव चाहती है कि नीचे आए पर मैं ऑपोजिट जा रहा हूं, तो उन फील्ड के अंदर वर्क डन इनिशियल और फाइनल पे ही डिपेंड करता है, चल जाता है। वैसे ग्रेविटी की होनी चाहिए, हम कुछ नहीं बोलते उसके बारे में। नॉन कंजर्वेटिव देखो,